हेलो एवरीवन, वेलकम टू असेंबली एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा टैंक बैग के बारे में। नॉर्मली मार्केट में जो टैंक बैग अवेलेबल होता है उनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। वो लगभग करीब जो नॉन मेटेलिक टैंक है उसमें करीब 3 से 4 हज़ार के आसपास आ जाता है उसका प्राइस। तो मैं जब टैंक बैग मैं बनाया हूँ इसको एक टेलर से। एक्चुअली मेरे पास इतना बजट नहीं था तो मैं सोचा कि कुछ जुगाड़ कर लेता हूँ। तब देखा कि टैंक बैग बनता कैसे, मतलब उसका सिस्टम कैसा होता है, तो देखा कि ये वो यहाँ वहाँ स्ट्राइप लगा के काम चल जाता है। तो मैंने सोचा चलो एक थोड़ा सा छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ और एक बैग लेकर बनाने की कोशिश की, तो आपको दिखाता हूँ। चलिए, वो बैग जिसको मैंने बनाने की कोशिश की एक टैंक बैग, इसको रुकिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे दो स्ट्राइप है, इसको बाइक के नीचे अटैच करना पड़ेगा और इसको जो टैंक के सामने ऐसे करके लगाना पड़ेगा। ये हैंडल के पीछे से जाता है। तो चलिए ये कैसे काम करता आपको दिखाता हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ अभी आप लोगों को कि इसको फिट कैसे करते हैं। सबसे पहले ये वाला जो बेल्ट था इसको यहाँ से घुमाकर ऐसे घुमाकर यहाँ पर जो क्लिप है इसमें ऐसे अटैच करना पड़ेगा और उसके बाद इन दोनों चीज़ को एडजस्ट करने के बाद ये वाला बेल्ट को यहाँ से घुमाकर इसके साथ ऐसे अटैच करो और उसके बाद इधर भी सेम यहाँ से फंसा के इस जगह पर अटैच करके हर चीज़ को टाइट करना पड़ेगा। तब देखिए ऐसा कुछ शेप में आ जाएगा और इसके ऊपर आप सवार होकर भी कंफर्टेबली राइड कर सकते हो। तो ये है मेरा जुगाड़ू टैंक बैग। तो अभी आप लोगों ने देखा मेरा जुगाड़ू टैंक बैग जो आ गया है लगभग 400 में, जो काफ़ी सस्ता है। इसका लुकिंग अच्छा नहीं है पर काम चलाओ ठीक ही है। कम से कम 400 में आ तो गया, जो कि नॉर्मल एक मेटेलिक टैंक के लिए अगर बैग लेता या फिर इस वाले नॉन मेटेलिक के लिए एक बैग लेता तो लगभग एक अच्छा बैग का प्राइस 4000 के आसपास आ जाता। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से ठीक ही है, पर अभी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को कैसा पसंद है कैसा नहीं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर लगा कि इस वीडियो से आपका कोई दोस्त का या आपका खुद का भला होगा तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू।